जब भी हम जासूस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक मर्द का चेहरा सामने आता है। फिल्मों में भी हम यही देखते हुए आए हैं अभी तक, चाहे वह शर्लक होम्स हो या जेम्स बॉन्ड। लेकिन हमारे भारत में यह किस्सा अलग है। हमारे देश की बेटियां अब हर एक फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही है, तो फिर जासूसी का फील्ड क्यों छूटे? हमको मालूम है आप इस जासूस का नाम नहीं सुने होंगे जिनके बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। यह जासूस है रजनी पंडित, जिसे भारत की पहली महिला जासूस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारत की जेम्स बॉन्ड। आज के इस वीडियो में हम आपको इनकी कहानी और इनके द्वारा किए गए कुछ अनोखे कारनामों को बताने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपको आश्चर्य भी होगा और मोटिवेशन भी मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का यूट्यूब चैनल। साल 1962 में महाराष्ट्र के पालघर जिले में जन्मी और पली बढ़ी रजनी पंडित के पिता स्थानीय पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। उन्हें शुरू से ही रहस्य और जासूसी वाले उपन्यास पढ़ने में रुचि थी। उन्होंने मुंबई के रूपरेल कॉलेज से मराठी साहित्य में ग्रेजुएशन हासिल किया था। रजनी पंडित को अपने कॉलेज में ही पहली बार जासूसी के काम में दिलचस्पी महसूस हुई और उन्होंने साल 1983 में अपने एक क्लासमेट के बिहेवियर के प्रति कंसर्न होकर उसकी जासूसी की थी और पता लगाया था कि वह वेश्यावृत्ति में शामिल है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने क्लासमेट के पिता को दी और उन्हें सारे सबूत भी दिए और उन्होंने अपना पहला केस सॉल्व किया। हालांकि रजनी पंडित के पहले केस के बारे में एक और कहानी कही जाती है। वह कहानी कुछ ऐसी है, जब कॉलेज खत्म हो गया इसके बाद वह एक ऑफिस में नौकरी करने लगी। नौकरी के दौरान उनके ही ऑफिस की एक महिला के घर पर चोरी हो गई। महिला को इस चोरी का शक अपनी नई बहू पर था। उस महिला ने अपने घर पर हुई चोरी की छानबीन के लिए रजनी से कहा। रजनी पंडित ने जब चोरी की जांच शुरू की तो पता चला कि चोरी उस घर के बहू ने नहीं बल्कि बेटे ने की थी। पूछताछ में बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रजनी ने जब यह अपना पहला केस सॉल्व किया तो उनकी उम्र महज 22 साल की थी। रजनी पंडित के जासूसी केस सॉल्व करने की जानकारी जब लोगों के बीच फैली तो लोग उनके पास अपने मामले लेकर आते थे। इसके बाद रजनी मशहूर होने लगी। उनकी पहचान भारत की पहली महिला जासूस के तौर पर बनने लगी थी। लेकिन उनके पिता को अब तक रजनी के जासूसी हुनर के बारे में जानकारी नहीं थी। जब रजनी के पिता को बेटी के इस काम की जानकारी हुई तो उन्होंने रजनी को रोका नहीं बल्कि आने वाली मुसीबतों के बारे में आगाह जरूर किया। अपने पिता का साथ मिलने के बाद रजनी ने जासूसी में खुलकर काम करना शुरू किया। रजनी ने हजारों केस सुलझाए। वह कभी नौकरानी तो कभी गर्भवती औरत का भेष लेकर पेचीदा से पेचीदा केस सॉल्व करने लगी। हम अब आपको बताते हैं रजनी पंडित के जीवन के सबसे मुश्किल केस के बारे में, जिसका जिक्र वह खुद भी करती है। यह एक मर्डर मिस्ट्री था जो एक पिता और बेटे की हत्या का केस था। इसे सुलझाना बेहद पेचीदा था क्योंकि शक की सुई उस महिला पर थी जिसके बेटे और पति की हत्या हुई थी, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। रजनी उसके घर में नौकरानी बनकर काम करने लगी। धीरे धीरे रजनी ने महिला का विश्वास जीत लिया, मगर एक दिन रजनी से एक गड़बड़ हो गई। उस दिन अचानक से रजनी का टेप रिकॉर्डर चल पड़ा, जिससे उस महिला को रजनी के ऊपर शक हो गया। महिला ने इसके बाद रजनी का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन लगभग 6 महीने के बाद रजनी को घर से बाहर निकलने का मौका मिल ही गया। एक शख्स उस महिला से मिलने पहुंचा। रजनी को पता चल गया कि यह हत्या उस महिला ने ही करवाई है, मगर बाहर जाए तो जाए कैसे? उन्होंने अपने पैर में चोट लगने का नाटक किया। इसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए वह बाहर निकली और फिर एसटीडी बूथ में जाकर अपने सहयोगी को पुलिस के साथ आने के लिए कह दिया। घर में मौजूद महिला ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता और पुत्र की हत्या की थी। ये केस रजनी पंडित को और ज्यादा मशहूर बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रजनी पंडित के लिए सब कुछ सही ही रहा।
उनके ऊपर एक मुसीबत उस समय भी आई जब वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई। हम आपको बताते चलें कि उन्हें और उनके कुछ साथी जासूसों को थाने पुलिस ने गलत ढंग से कॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। रजनी पर 5 क्लाइंट के लिए CDR हासिल करने और उसे बेचने का आरोप लगाया गया था। थाने पुलिस ने जासूस समरेश झा को गिरफ्तार करने के बाद रजनी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद समरेश ने पुलिस को बताया था कि वह रजनी के कहने पर ही CDR हासिल करके मोटा पैसा बनाता था। इसमें कुछ लोगों को नवी मुंबई से भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रजनी पंडित ने अपने बचाव में यह कहा कि वह बतौर जासूस उनके काम का हिस्सा है और इस तरह वह पुलिस के गिरफ्त से बाहर आ गई। हम आपको यह भी बताते चलें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रजनी पंडित को फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव अवार्ड से सम्मानित किया था। उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये सम्मान दिया गया। उन्हें पहला अवार्ड साल 1990 में मिला था। इसके बाद उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। उन्होंने साल 1991 में रजनी पंडित डिटेक्टिव सर्विसेज के नाम से अपनी एक एजेंसी शुरू की। उनका काम ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने दूरदर्शन को एक इंटरव्यू दिया। इसके बाद उनके पास काम की भरमार हो गई और उनकी एजेंसी की गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से निकल पड़ी। उस समय उनके पास लैंडलाइन फोन भी नहीं हुआ करता था। इसके बाद में उन्होंने जब लैंडलाइन लगवा लिया तो रात के 2-2 बजे तक उनके पास केसेस को लेकर कॉल्स आती रहती थी। अब उनकी एजेंसी में 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। रजनी पंडित के अनुसार एक डिटेक्टिव में हिम्मत और स्किल्स के साथ एक्टिंग के गुण भी होने जरूरी हैं। हर नए केस के हिसाब से रजनी पंडित अपना हुलिया और पहचान बदल लेती थी। वह कभी नौकरानी बनकर किसी के घर में काम करने पहुंच जाती थी तो कभी गुंगी और बहरी बनकर कहीं पर बैठ जाती थी। कुछ केस में तो वह प्रेग्नेंट महिला बनकर भी जा चुकी है। वह अब तक 2 किताबें फेसेस बिहाइंड फेसेस और मायाजाल लिख चुकी है। वह अब तक काफ़ी लोगों को जासूसी की ट्रेनिंग भी दे चुकी है। उन्होंने अपने करियर में पिता पुत्र की हत्या के मामले को सुलझाने में सबसे ज़्यादा 6 महीने का समय लिया था और वह उनके करियर का सबसे पेचीदा केस भी था, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया है। तो यही थी भारत की पहली महिला जासूस रजनी पंडित की कहानी, जिसे देश के राष्ट्रपति भी सम्मानित कर चुके हैं। अगर आप इनके बारे में पहले से नहीं जानते थे तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।